हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सरकार के 600 दिन पूरे होने पर क्या प्रमुख रहा आपके विभाग से संबंधित? देखिए, मेरे यहाँ जो कोविड का टाइम था उसमें हमने, जैसा भी सीएम साहब ने अनाउंस करा है कि एक तो हमने सरचार्ज जो 3 महीने का था, अप्रैल मई जून, ये किसी भी बिल पर सरचार्ज नहीं लगेगा, जो बेसिक अमाउंट है वही लोगों से चार्ज होगा। दूसरा, जो 10,000 तक का जिनका नीचे बिल था वो टोटल माफ़ कर दिया गया, और 40,000 से ऊपर जिनका है उसका 25% हमने माफ़ कराया। ये पावर डिपार्टमेंट हमारा हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि नीति आयोग ने सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, उसने हरियाणा को पूरे देश में एक नंबर स्टेट, जो फास्ट प्रोग्रेसिंग है, उस स्टेट माना, वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट। चौधरी साहब, इसके अलावा अगर बात की जाए, प्रमुख घोषणाएं क्या रही, जैसे BPL की या और चीज़ें? देखिए, बाकी तो सब सामने सब बताई थी कि उन्होंने जो नए मेडिकल कॉलेजेज आ रहे हैं, उसके बाद आपका जो ट्यूबवेल कनेक्शन का था, माइक्रो इरीगेशन का, उस पर 80% सब्सिडी दी जा रही है, ये बहुत बड़ा मोटर है। सबसे अहम सवाल आपसे मैं थोड़ा इस विषय से हट के पूछूंगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो उन्होंने किया है कि 4,000 रुपये हम जो उससे बाजरा से हटके जो दूसरी फसल बोएंगे उस पर 4,000 रुपये हर पर एकड़ उनको फार्मर को इंसेंटिव दिया जाएगा। चौधरी साहब, 26 जून को एमरजेंसी लागू की थी इंदिरा गांधी ने, जिसको उस दिन विरोध दिवस के रूप में BJP RSS शुरू से मनाती है। इस बार भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा जो है उनके एक ग्रुप ने भी ये मनाने का निर्णय लिया है, कि मतलब इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, डेमोक्रेसी में हर आदमी का अपना अपना प्रोटेस्ट करने का तरीका, उसे कोई रोक नहीं सकता। सरकार अपने काम से कर रही है, जितना फार्मर्स के लिए कर रही है, मैं नहीं समझता कहीं कमी की बात है। एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, एक चल पड़ा समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता लोग भी इससे विमुख होते जा रहे हैं। अब पहले जो था वो आज नहीं रहा, लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, ले रहे हैं। चौधरी साहब, इसके अलावा अगर राजनीतिक एक सवाल करूँ आपसे, क्योंकि आप राजनीति में पुराने हैं, आपका काफ़ी लंबा अनुभव है, चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, ये गठबंधन की सरकार है जिसमें BJP, निर्दलीय और JJP ये संयुक्त एक तरह से चल रहे हैं, इस गठबंधन का अनुभव बताइए अपना क्या? नहीं, बहुत बढ़िया सरकार का अनुभव, जो नीति आयोग कॉम्प्लीमेंट दे रहा है वही सबसे बढ़िया है कि सरकार की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सब पूरे देश में अगर सबसे फास्ट किसी की ग्रोथ है, फास्ट डेवलपिंग स्टेट है, वो हरियाणा को दिया गया है, पूरी सब बड़ी स्टेट्स में। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी रंजीत सिंह, हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री, जिन्होंने हमसे बात की है। कैमरामैन संजय के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।